अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप पे जो हमारे पास एक है क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वॉन टूल, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्रॉप टूल, प्रिस्पेक्टिव टूल, क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, ये इनका हम बाद में लेक्चर इंशाल्लाह रखें। तो आज मैं इन दो टूल के बारे में बताऊँगा कि इन दोनों टूल का पर्पज़ क्या है। तो मैं सिंपली यहां से कोई भी न्यू इमेज ओपन करता हूं, जैसे कि मैं यहां पे गया, कैमरा, जैसा कि ये मेरे पास पिक्चर हैं, इनमें से मैं चूज़ करूँगा ये वाली कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसे ला कर, और ये हमारे पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर आ चुका है। देख सकते हैं आप कितनी इसकी पिक्सल्स हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे सिलेक्ट करूँ सिर्फ ये गाड़ी को, और जो हमारे पास 2090 सीसी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ये सिलेक्ट सब्जेक्ट जो है, आप यहाँ पर अगर आएंगे या डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्विक सिलेक्शन टूल जो हमारे पास है वो ओपन हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास ये यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये थोड़ी देर वेट के बाद हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाएगी। ये देख सकते हैं, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये सेलेक्ट तो चीज़ों को करता है मगर आप देख सकते हैं यहाँ से इसने थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज कर दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, आपने सिंपली आल्ट दबाना है, आल्ट को दबाना है। अगर हम ये सिलेक्शन मतलब के ऐड करना चाहते हैं तो हमें वैसे ही ऐड करनी होगी, जैसे ये तो आउट ऑफ हो रही है यहाँ से। जैसे मैं इस पिक्चर की जो कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी लेने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये पिक्चर आ चुकी है। अब मैं इसे पहले वो सिलेक्ट सब्जेक्ट मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आप इसे समझ लें। क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट करना है। बाद का तो हम पेन टूल से कर लेते हैं या फिर कोई और टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके कोई और भी तरीके हैं इसको सिलेक्ट करने के, तो मैं यही चूज़ करूँगा कि आप एक दफ़ा बिगिनर हैं तो आप इसे ही सिलेक्ट करें। जैसे ये देखें बहुत ही तेज़ी से, आप यहां से इस ब्रश का साइज़ यहां पे आपको प्लस पे रखना है, अगर आप ऐड कर रहे हैं, अगर आपने माइनस करनी है तो जैसे ये देख सकते हैं आपके पास ये वाली सिलेक्शन माइनस हो रही है, ये आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस पे रखनी है। और उसके बाद इसका साइज़ बढ़ाना है आपने, यहाँ से जितना बढ़ाएँगे उतनी तेज़ ये सिलेक्शन करेगा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आर्ट मैं दबाऊंगा तो ये माइनस वाला निशान आ रहा है आपको नज़र, तो ये इस तरह से ये माइनस करना शुरू कर देगा, मतलब के ऐड के बगैर सेलेक्ट करेगा सिलेक्शन हमारी। और यहाँ पे देखें मैंने इसको सिलेक्ट करना शुरू किया हुआ है और यहाँ से थोड़ी सी बढ़ गई है। ये मैं रफ से सिलेक्शन ले गया हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये सिलेक्शन हो के आ गई है, ये देखें इसकी मैं कंट्रोल जे से ले रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली अभी ये सिलेक्शन जो यहाँ से रह गई थी वो नहीं आई है और ये वाली आई है। इसको हम देखते हैं कहाँ से गलती है दोबारा, ये इसको हम ऐड करेंगे इसको भी, ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा प्लस करेंगे, बेस ओके। अगर आपने यहीं से इसकी सिलेक्शन की कॉपी लेनी है तो वो किस तरह से लेनी है, आपने यहाँ पे जाना है सिलेक्ट और यहाँ